हेलो गाइस, वेलकम टू एनसीईआरटी जोन। गवर्नमेंट ने 2020 के सितंबर में कुछ एप्लीकेशंस को बैन किया था, जिसमें टिकटॉक एक प्रमुख एप्लीकेशन था। बात करें, गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में कुछ और एप्लीकेशंस, लगभग 54 एप्लीकेशंस को बैन करने की घोषणा की है, जिसमें से चाइनीज़ एप्लीकेशंस भी हैं और कुछ अलग एप्लीकेशंस भी हैं। बात करें सबसे प्रमुख बैन्स की, तो उसमें फ्री फायर एक प्रमुख एप्लीकेशन है, जो कि एक रॉयल बैटल गेम है। सिंगापुर की कंपनी सी लिमिटेड इसे ओन करती है। इसे भी बैन करने की घोषणा की है, बैन कर दिया है। प्ले स्टोर से ये एप्लीकेशंस गायब हो गया है। अदर एप्लीकेशंस की बात करें तो ब्यूटी प्लस जो कैमरा आता था और स्विट सेल्फी एंड ऐप लॉक एक प्रमुख एप्लीकेशंस है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड ब्रॉडकास्टिंग ने ये बोला कि ये जो एप्लीकेशंस थे, ये काफ़ी पावरफुल एप्लीकेशंस थे और किसी भी सिस्टम को इंटरसेप्ट कर सकते थे, उन्हें डिक्रिप्ट कर सकते थे, और इंडियन सोवरेनिटी को खतरा बताते हुए इन एप्लीकेशंस को इन्होंने बैन करने की घोषणा की है। तो यही था इन्फॉर्मेशन। अगर पसंद आया होगा वीडियो तो क्या करेंगे, डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू दी एनसीईआरटी जोन। थैंक यू वेरी मच।